हेलो फ्रेंड्स, एक छात्र के रूप में डेनियल बेब्स्टर प्रसिद्ध इंग्लिश डिक्शनरी के लेखक को उनके स्कूल में उनके गंदे रहन सहन के लिए जाना जाता था। उनके टीचर ने कहा, डेनियल, यदि अगली बार तुम मुझे इस प्रकार से गंदे दिखाई दिए तो मैं तुम्हें पीटूंगी। डेनियल बहुत झक्की स्वभाव का बच्चा था। उसने टीचर की इस बात को इग्नोर किया और अगली बार वो टीचर को फिर उसी अवस्था में मिला। टीचर ने डेनियल को पीटने के इरादे से कहा, डेनियल अपना हाथ आगे करो। डेनियल को पता था कि उसके दोनों हाथ गंदे हैं। उसने अपनी जेब से अपना एक हाथ निकाला, उस पर थूका और अपने कपड़ों से रगड़ते हुए उसे साफ किया और टीचर के आगे कर दिया। डेनियल की इस हरकत को देख करके टीचर को और ज़्यादा गुस्सा आ गया और टीचर ने डेनियल का तिरस्कार करते हुए कहा, डेनियल, यदि तुम अपने इस गंदे हाथ से ज़्यादा कोई दूसरा हाथ यदि इस पूरे स्कूल में दिखा दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। जैसे ही टीचर की ये बात डेनियल ने सुनी, डेनियल ने तुरंत अपना दूसरा हाथ आगे कर दिया। इस कहानी का आशा यह है कि इस प्रकार के झक्की बच्चे, खराब आदतों वाले बच्चे भी आगे चलकर प्रतिभाशाली सिद्ध हो सकते हैं। ऐसी अवस्था में टीचर्स और पेरेंट्स को चाहिए कि वो किसी भी बच्चे को कमतर ना आंकें, किसी भी बच्चे का कभी भी तिरस्कार या अपमान ना करें, बल्कि ऐसे बच्चों की मानसिक अवस्था को, उनके मानसिक स्वास्थ्य को अपनी पूर्ण सहनशीलता के साथ में समझते हुए ऐसे बच्चों की आदतों को सुधार करने का प्रयत्न करें। थैंक यू।